हेलो एवरीवन, वेलकम टू संजय सुमन क्लासेज। हम लोग इंग्लिश का दूसरा सेट सॉल्व करते हैं। यह जो है क्वेश्चन हमने DRDO केंद्रीय विद्यालय संगठन या फिर जो है कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल एग्जामिनेशन जो SSC के द्वारा आयोजित होगा, तीनों का जो है आपका एग्जाम पैटर्न सेम है। तो इसका प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। तो पहला जो है क्वेश्चन जो है एम्पल का आपको एंटोनिम बताना है। तो एम्पल का मतलब होता है कोई भी चीज़ जो है पर्याप्त मात्रा में है, पर्याप्त मात्रा में। तो इसका देखिए पहला विकल्प दिया हुआ है एनफ। एनफ का मतलब भी होता है काफ़ी। प्लेंटी का भी मतलब होता है पर्याप्त। और तो ये साइनोनिम हो गया, इसका एम्पल का साइनोनिम एनफ हो गया, प्लेंटी हो गया। तो और स्पेयर का मतलब होता है शेष या फिर बचाना, तो ये भी नहीं होगा। ये तीनों विकल्प हमारा गलत हो गया। अब आप देखते हैं स्केयर्स का मतलब होता है वो पर्याप्त। तो यहाँ पर जो है एम्पल हो गया पर्याप्त, एम्पल का मतलब पर्याप्त, स्केयर्स का मतलब अपर्याप्त। इसका करेक्ट एंटोनिम हमारा ये ऑप्शन करेक्ट होगा। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। हैंड रिटेन बुक, हाथ से लिखा गया किताब क्या कहलाता है? वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन से आपको इसमें पूछा गया। तो ड्राफ्ट जो है प्रारूप को कहते हैं। कोई भी चीज़ को जो है प्रारूप हम लोग बनाते हैं तो उसको हम लोग ड्राफ्ट बोलते हैं, प्रारूप या मसौदा। जैसे हम लोग बिल बनाते हैं तो पहले एक ड्राफ्ट बनाते हैं, तो ड्राफ्ट बिल तो वो होता है। तो एडिशन, कोई भी मैगजीन आता है उसका करेंट एडिशन क्या है, तो या फिर बुक का एडिशन क्या है, तो ये संस्करण हो गया। तो ये भी प्रिंटेड रहता है, ड्राफ्ट भी प्रिंटेड रहता है। और आउटलाइन, कोई चीज़ का हम लोग आउटलाइन बनाते हैं, रूपरेखा या फिर कहें तो नक्शा की तरह बनाते हैं, तो उसको हम लोग आउटलाइन बोलते हैं। तो मैन्यूस्क्रिप्ट होता है हस्तलिखित या हस्तलिपि, हाथ से जो हम लोग लिखते हैं। तो ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। हैंड रिटेन बुक को हम लोग मैन्यूस्क्रिप्ट बोलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हिल स्टेशंस, पहाड़ी स्टेशंस लाइक दार्जिलिंग एंड नैनीताल। तो दार्जिलिंग और नैनीताल जो है पहाड़ी स्टेशन है। ये आपको फिल इन द ब्लैंक से पूछा गया। ऑफर ब्लैंक टू बियरी टूरिस्ट ड्यूरिंग समर। तो कह रहा हिल स्टेशन दार्जिलिंग और नैनीताल क्या ऑफर करता है? टू बियरी मतलब होता है थका हारा या फिर सुस्त, ये होगा। बियरी का मतलब होता है थका हारा, मतलब थका हारा पर्यटक को गर्मी के समय में क्या प्रदान करता है? स्ट्रेन, तनाव प्रदान करता है। तो ये हमारा विकल्प गलत हो गया। एक्टिविटी, क्रियाकलाप होगा, लेकिन जो है ये आपका करेक्ट नहीं होगा। ये कुछ हद तक ये सही हो सकता है। एड मतलब मदद या सहायता है, तो ये भी नहीं होगा। सोलेस का मतलब होता है सुकून, ए फीलिंग ऑफ कंफर्ट। तो ये आपका हो गया, सुकून प्रदान करता है, शांति प्रदान करता है। तो ये हमारा करेक्ट विकल्प हो गया सोलेस। समथिंग, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। समथिंग दैट कैन बी कैरीड इजली, वैसा वस्तु जिसको हम लोग आसानी से ले आ सकते हैं, तो क्या कहते हैं इसको? पोर्टेबल। तो पहला विकल्प ही आपका सही हो गया, पोर्टेबल, ले जाने योग्य या ढोने योग्य। कन्वेनियंट का मतलब होता है सुविधाजनक। रीचेबल, यह हो गया पहुंच योग। और
हैंडी, हैंडी का भी मतलब होता है सुविधाजनक। तो कोई भी चीज़ को हम लोग, जिसको हम लोग आसानी से ले जा सकते हैं, उसको हम लोग पोर्टेबल कहेंगे, समथिंग दैट कैन बी कैरीड इजीली, पोर्टेबल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द स्पोर्ट्स मिनिस्टर, खेल मंत्री, फिल इन द ब्लैंक से क्वेश्चन है, ब्लैंक, द बैडमिंटन एसोसिएशन ऑफिशियल्स दैट ऑल हेल्प विल बी गिवेन टू देम टू कंडक्ट द टूर्नामेंट। तो खेल मंत्री जो है बैडमिंटन संघ के सदस्यों को क्या मदद का आश्वासन दिया, दैट ऑल हेल्प, सभी प्रकार का मदद उनको दिया जाएगा, किस लिए, टू कंडक्ट द टूर्नामेंट, टूर्नामेंट को आयोजन कराने के लिए। तो स्पोर्ट्स मिनिस्टर ब्लैंक द टूर्नामेंट, कमिटेड, कमिटेड का मतलब होता है प्रतिबद्ध। तो प्रतिबद्ध का प्रयोग यहाँ पर हम लोग नहीं करेंगे, यहाँ पर भारू की तरह प्रयोग नहीं होगा, ये जो है कमिटेड होता है, ये एडजेक्टिव है, ये एडजेक्टिव है कमिटेड, तो इसका प्रयोग हम लोग भार की तरह नहीं करेंगे, तो ये गलत हो जाएगा। एसर्टेंड, एसर्टेंड का मतलब होता है सुनिश्चित करना, सुनिश्चित करना। डेमोन्स्ट्रेट का मतलब प्रदर्शित करना, और एज्यूड का मतलब है आश्वासन देना, आश्वस्त करना। तो नेता सब जो है क्या करता है, सुनिश्चित तो नहीं करेगा, क्या करेगा, सिर्फ आश्वासन देगा, तो इसका प्रयोग हम लोग एज्यूड कहेंगे, यहाँ पर एज्यूड का प्रयोग होगा। द स्पोर्ट्स मिनिस्टर एज्यूड द बैडमिंटन ऑफिशियल्स दैट ऑल हेल्प विल बी गिवेन टू देम टू कंडक्ट द टूर्नामेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दी फोटोग्राफर, ये आपका जो है कॉमन इनर्सक लेटर सवाल पूछा गया, आपको एक सेंटेंस को जो है चार भागों में बांटा गया है, ए बी सी डी, जिस पार्ट में आपका एरर है वो आपको सेलेक्ट करना है, वो आपका आंसर होगा। दी फोटोग्राफर क्लाइम, दूसरा देखते हैं आगे, दी ट्री, क्लाइम द ट्री एंड टूक पिक्चर, और पिक्चर लिया, ऑफ द लियोपॉड, लियोपॉड का पिक्चर लिया, चेजिंग इट्स प्रे, जो कि अपना शिकार को पीछे पीछा कर रही थी। तो द यहाँ पर देख रहे हैं तो द ट्री, इसके दूसरा सेंटेंस में जो है आपका पास्ट इंडिफिनिट टेंस में ये प्रयोग किया गया है, ये आपका पास्ट इंडिफिनिट में है, और पहला सेंटेंस द फोटोग्राफर क्लाइम प्रेजेंट इंडिफिनिट में है, तो ये आपका ये सुटेबल नहीं है, ये हमारा सेंटेंस यहाँ पर सुटेबल नहीं है, तो ये हमारा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ये गलत ऑप्शन है। तो यहाँ पर होना चाहिए द फोटोग्राफर क्लाइम्ड, भीटू का प्रयोग यहाँ पर होगा, पास्ट टेंस में ये सेंटेंस है, तो इसको भी हम लोग पास्ट में बनाएंगे, द फोटोग्राफर क्लाइम्ड, क्लाइम्ड द ट्री, द फोटोग्राफर क्लाइम्ड द ट्री एंड टूक पिक्चर ऑफ द लियोपार्ड चेजिंग इट्स प्रे, तो ये हमारा करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कन्वर्ट, कन्वर्ट का मतलब होता है कोई भी चीज़ बदलना या परिवर्तन करना, और डेजल पहला विकल्प, ये आपका कन्वर्ट का आपको सानोनिम बताना है, समानार्थक शब्द, तो डेजल का मतलब होता है चकाचौंध, तो ये ऑप्शन नहीं होगा। रेडिकल, रेडिकल का मतलब होता है मौलिक, तो ये भी नहीं होगा। ट्रांसफॉर्म, ट्रांसपोर्ट का मतलब, ट्रांसफॉर्म का मतलब भी होता है बदलना, तो ये हमारा करेक्ट ऑप्शन हो गया, तो इसका भी मतलब होता है बदलना। इफेक्ट, इफेक्ट का मतलब होता है प्रभावित करना, तो इसमें हमारा कन्वर्ट का करेक्ट साइनोनिम ट्रांसफॉर्म हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन इसमें देखते हैं, फ्लुएंट और परजुएजिव इन स्पीकिंग और राइटिंग, मतलब बोलने और लिखने में धारा प्रवाह लगातार, फ्लुएंट का मतलब होता है धारा प्रवाह, परजुएजिव का मतलब होता है प्रेरक, ये हो गया फ्लुएंट, धारा प्रवाह। तो जो धारा प्रवाह लिखता है या बोलता है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन से क्वेश्चन पूछा गया है, तो पहला है प्रेजेंटर,
प्रेजेंटर, प्रेजेंटर मतलब प्रस्तोता, प्रस्तुतकर्ता, प्रस्तुतकर्ता। मैग्निफिसियंट, मैग्निफिसियंट का मतलब होता है शानदार। तो ये भी ऑप्शन हमारा गलत हो गया, ये भी ऑप्शन गलत हो गया। इलोक्वेंट, इलोक्वेंट का मतलब होता है सुवक्ता, जो अच्छी तरह बोलता है। तो ये हमारा ऑप्शन सही होगा, ये हमारा करेक्ट ऑप्शन है। और परजुएडर का मतलब होता है प्रोत्साहक, जो प्रोत्साहन देता है। अब आगे हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नाइन्थ क्वेश्चन जो है कॉमन एरर से पूछा गया है। इसमें जो है एक ही सेंटेंस चार भागों में बटा हुआ है, जिस पार्ट में एरर है वो आपका करेक्ट आंसर होगा। तो देखते हैं, द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना, चीन का जो है महान दीवार, इज नो लॉन्ग ए कंटिन्यूस स्ट्रक्चर आविंग टू इरोजन। आविंग मतलब होता है कारण से, तो किस कारण से, क्षरण के चलते, क्षरण के चलते जो है अब यह जो है नहीं रहा है। तो यहाँ पर जो है नो लॉन्ग का प्रयोग यहाँ पर गलत है, तो ग्रेट वॉल ऑफ चाइना ये करेक्ट है, इज नो लॉन्ग। तो नो लॉन्ग जो है नो लॉन्गर एक फ्रेज होता है, नो लॉन्गर, नो लॉन्गर जो है एक फ्रेज की तरह इडियम है। तो इसका मतलब होता है ट्रू इन द पास्ट, ट्रू इन द पास्ट बट नॉट नाउ। पहले जो है यह सही था लेकिन अब नहीं रहा है। तो इसका, तो ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके जगह पर नो लॉन्ग के जगह पर हम लोग नो लॉन्गर का प्रयोग होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सेलेक्ट इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड। इसमें कौन सा वर्ड जो है इनकरेक्ट, इनकरेक्ट स्पेल्ड किया हुआ है, किसका मीनिंग गलत है। तो सोलिटरी ये करेक्ट है, इंडिविजुअल, इंडिविजुअल ये भी करेक्ट है, क्रिटेरिया ये भी करेक्ट है, लेजिबल ये हमारा जो है ये रॉन्ग है। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, इसके इसका करेक्ट फॉर्म हो जाएगा एल ई जी आई बी एल ई, लेजिबल मतलब पढ़ने योग्य। तो अपोनेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है अपोनेंट, अपोनेंट का मतलब हो गया विरोधी। तो इसका आपको एंटोनिम बताना है, विपरीतार्थक शब्द। तो अपोनेंट का जो है विरोधी हो गया, इसका जो है हो जाएगा सपोर्टर, समर्थक। तो पहला ही ऑप्शन हमारा करेक्ट हो गया। प्रोफेसर तो ये नहीं होगा अपोनेंट का। प्रेजेंटेटर प्रस्तुतकर्ता ये भी नहीं होगा। मेंटर सलाह देने वाला, परामर्श देने वाला, सलाह देने वाला, तो ये भी नहीं होगा। तो इसमें अपोनेंट का करेक्ट आपका हो जाएगा सपोर्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपका इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड से है, सेलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड। तो हॉस्टल, हॉस्टल का भी मीनिंग करेक्ट है, होल्ड, होल्ड का भी मीनिंग करेक्ट है, हॉस्पिटैलिटी ये आपका गलत इसमें वो हो रहा है। तो इसका करेक्ट स्पेलिंग हो जाएगा हॉस्पिटैलिटी, एल आई टी वाई, हॉस्ट ये भी करेक्ट है। तो ये हमारा करेक्ट आंसर ये हो जाएगा। सिमिलर, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका पूछा गया सिमिलर, इसका साइनोनिम बताना है। तो सिमिलर का मतलब हो गया समान, एक ही तरह का, समान। तो एलियन, तो एलियन का मतलब हो गया कोई दूसरा ग्रह से या फिर विदेशी आदमी, एलियन दूसरा ग्रह से आने वाला। सेवरल, सेवरल का मतलब बहुत होता है। और एलाइक, एलाइक का भी मतलब होता है के समान, इक्वल, इक्वल हो गया बराबर। तो यहाँ पर जो है सिमिलर, सिमिलर कोई भी चीज़
समान है, तो मतलब के समान है, के लाइक उसी के समान है, तो सिमिलर का जो है करेक्ट सिनोनिम ए लाइक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इफ इफ यू आर इन ट्रबल, टॉमी इज द फ्रेंड हु स्टैंड्स बाय यू, करा यदि आप जो है, यदि आप इफ यू आर इन ट्रबल, यदि आप समस्या में होते हैं, टॉमी इज द फ्रेंड, टॉमी जो है वही दोस्त है, हु स्टैंड्स बाय यू, जो आपके साथ खड़ा होता है, तो स्टैंड्स बाय के जगह पर क्या सब्स्टिट्यूशन हो सकता है, ये इसके लिए आपको चार विकल्प दिया हुआ है, तो नो सब्स्टिट्यूशन रिक्वायर्ड, ये भी गलत हो जाएगा। विल स्टैंड बाय, आपके पीछे खड़ा रहेगा, आपके साथ खड़ा रहेगा। वाज स्टैंडिंग बाय, ये भी नहीं होगा। स्टूड बाय, ये करेक्ट आपका जो है सुटेबल ये हो जाएगा। इफ यू आर इन ट्रबल, टॉमी इज द फ्रेंड हु विल स्टैंड बाय यू। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, टू पुल ए फास्ट वन ऑन समवन, किसी को तेजी के साथ खींचना, तो इसका ये एक इडियम है, इसका मीनिंग होता है धोखा देना, किसी को जो है धोखा देना, तो ये इसका जो है आपको चार मीनिंग दिया हुआ। टू ड्राइव वेरी फास्ट, तेजी से जो है चलाना, बहुत तेजी से चलाना। टू चीट समवन, किसी को धोखा देना, तो ये हमारा ये इसका भी सेम मीनिंग है। टू पुल ए फास्ट वन ऑन समवन, टू चीट समवन। नेक्स्ट है टू विन अगेंस्ट समवन, किसी के विरुद्ध जीतना, ये भी नहीं होगा। टू इंचेंट समवन, किसी को प्रसन्न करना, ये भी नहीं होगा, तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा टू पुल ए फास्ट वन ऑन समवन, टू चीट समवन, किसी को धोखा देना। अब आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है फिल इन द ब्लैंक्स से रिलेटेड पूछा गया है, तो इसमें इफ़ द नेवर्स हैड नॉट ब्लैंक फूड वी माइट हैव स्टार्व्ड, यदि पड़ोसी ने भोजन क्या हैड नॉट क्या प्रोवाइडेड मतलब दिया होता, प्रोवाइडेड या एडेड मतलब क्या होता है जोड़ना, थ्रोन फेंका होता, अस्टोलेन चुराया होता, यदि पड़ोसी ने खाना नहीं दिया होता वी माइट हैव स्टार्व्ड, हम लोग भूख से मर सकते थे, तो यहाँ पर क्या होगा प्रोवाइडेड, यहाँ पर सबसे करेक्ट आपका हो जाएगा प्रोवाइडेड। स्टोलन का मतलब तो यहाँ का प्रयोग करेंगे तो ये गलत हो जाएगा सेंटेंस, थ्रोन का भी प्रयोग करेंगे ये भी गलत हो जाएगा, एडेड का भी प्रयोग करेंगे तो सबसे करेक्ट आंसर आपका इसमें प्रोवाइडेड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इफ आई सी ए स्नेक, यदि मैं एक सांप को देखता हूँ, आई ट्राई टू कैच इट, मैं इसे पकड़ने का कोशिश किया, तो दोनों जो है अलग अलग सेंटेंस में है, ये इसका भी कम्बिनेशन सही नहीं बैठता, इसका ट्रांसलेट करेंगे तो जो आपका सेंटेंस गलत हो जाएगा। यदि मैं एक सांप को देखता हूँ, मैं इसे पकड़ने का कोशिश किया, तो ये सेंटेंस भी आपका गलत है। वाज ट्राइंग, मैं इसे पकड़ने का कोशिश कर रहा था, ये भी गलत हो जाएगा। नो सब्स्टिट्यूशन रिक्वायर्ड, ये तो सेंटेंस ही गलत है, तो इसको आई एम ट्राइंग, मैं इसे पकड़ने का कोशिश कर रहा हूँ, ये भी नहीं होगा। यदि इफ़ आई सी ए स्नैक आई विल ट्राई टू कैच, मैं इसे पकड़ने का कोशिश करूँगा, ये हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इंडिविजुअल क्वेश्चंस, इंडिविजुअल मतलब व्यक्तिगत प्रश्न, विल बी यूज्ड, इसका प्रयोग किया जाएगा, विल बी यूज्ड व्हाइल सीकिंग इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन सूचना को जानने के लिए, अबाउट एंड एम्बरासिंग, एम्बरासिंग का मतलब होता है शर्मिंदगी, तो इसमें यहाँ बोला जा रहा है कि व्यक्तिगत प्रश्न जो है पूछा जाएगा शर्मिंदगी से जुड़े हुए सूचना को जानने के लिए, तो विल बी यूज्ड, तो इसका प्रयोग विल बी यूज्ड व्हाइल सीकिंग इन्फॉर्मेशन, यहाँ तक आपका जो है सब्स्टिट्यूट करना है। तो इंडिविजुअल क्वेश्चंस जो है यहाँ पर फ्यूचर में प्रयोग किया गया है, फ्यूचर टेंस में, तो इसमें ये आपका करेक्ट आंसर ये आपका हो जाएगा। इंडिविजुअल क्वेश्चंस
आर आस्क्ड, व्यक्तिगत प्रश्न जो है पूछा जाता है, जबकि सीकिंग इन्फॉर्मेशन अबाउट एन शर्मिंदगी से जुड़े हुए सूचना को जानने के लिए जो है व्यक्तिगत प्रश्न पूछा जाता है। तो ये हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, आर ये जो वाइल सीक इन्फॉर्मेशन, यहाँ पर आपका ये यहाँ पर रॉन्ग हो गया, सीकिंग की जगह पर सीक का प्रयोग किया गया, नो सब्स्टिट्यूशन रिक्वायर्ड, आर यूज वाइल, ये भी सेंटेंस गलत है, आर के साथ जो है यूज का प्रयोग किया गया, तो ये सेंटेंस गलत हो गया। तो इसमें करेक्ट आंसर हमारा डी ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, टू किक द बकेट, एडियम मीनिंग आपको इसमें बताना है। तो इसका जो है टू किक द बकेट का मतलब ये होता है मरना, डाय। तो इसमें करेक्ट आंसर ऑप्शन आपका हो जाएगा टू डाय, टू किक द बकेट इसका मतलब ही होता है टू डाय। टू लोज ये ऑप्शन भी गलत है, टू प्ले टू फाइट ये भी गलत है। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, रामाज स्कोर्स इन द हाफ ईयरली एग्जामिनेशन आर बेस्ट देन रघुज स्कोर्स, आइडेंटिफाई इरर पार्ट, इसमें किस पार्ट में इरर है वो आपको सेलेक्ट करना, आर बेस्ट देन रघुज स्कोर्स रामाज स्कोर्स इन द, तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे गौर से, तो जो है रामाज स्कोर्स इन द हाफ ईयरली एग्जामिनेशन, यहाँ तक हमारा सेंटेंस करेक्ट है। उसके बाद आर बेस्ट देन, तो आर मतलब दो व्यक्ति के बीच में हम लोग कंपेयर करते हैं, तो ये कंपेरेटिव डिग्री में आता है, तो कंपेरेटिव डिग्री में जो है हम लोग क्या प्रयोग करेंगे बेस्ट की जगह पर, यहाँ पर हो जाएगा गुड बेटर बेस्ट, यहाँ पर बेटर का प्रयोग होगा, दो व्यक्ति के बीच में हम लोग कंपेरेटिव डिग्री में बेटर का प्रयोग करेंगे, बेस्ट हो जाएगा सबसे अच्छा बताने के लिए हम लोग प्रयोग करेंगे। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये पाइसेस से रिलेटेड पूछा गया है, इसमें जो है फिल इन द ब्लैंक से रिलेटेड सवाल रहेगा, इसमें पांच क्वेश्चन जो है आपको पांच मार्क्स का इसमें रहेगा। तो इसमें एक पैसेज दिया हुआ रहेगा, उसमें जो है कुछ वर्ड डिलीट किया हुआ रहेगा, उसके जगह पर आपको जो है चार विकल्प दिया हुआ रहेगा, उसी में आपको एक करेक्ट ऑप्शन सेलेक्ट करना है। तो देखते हैं, पॉल्यूशन इज द ब्लैंक ऑफ द एनवायरनमेंट, प्रदूषण जो है वातावरण का क्या है, एंड द बिगेस्ट प्रॉब्लम अक्रॉस द ग्लोब और विश्व का सबसे बड़ा समस्या है। तो पॉल्यूशन इज द ब्लैंक ऑफ द एनवायरनमेंट मिक्सचर, तो पॉल्यूशन क्या होगा, मिश्रण, तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा, इम्प्योर अशुद्ध, कंटामिनेशन संदूषण, एडल्टरेशन मिलावट। तो खाद्य पदार्थ में कोई भी चीज़ को हम लोग मिलाते हैं तो उसके लिए एडल्टरेशन का प्रयोग करते हैं, तो कंटामिनेशन हम लोग इसको दूषित कर रहे हैं, हवा को जो है दूषित कर रहे हैं, तो उसके लिए कंटामिनेशन शब्द का प्रयोग होता है। तो ये हमारा करेक्ट ऑप्शन कंटामिनेशन हो जाएगा, पॉल्यूशन इज द कंटामिनेशन ऑफ द एनवायरनमेंट एंड द बिगेस्ट प्रॉब्लम अक्रॉस द ग्लोब। नेक्स्ट सेंटेंस, द मेजर कॉजेज ऑफ पॉल्यूशन इंक्लूड, पॉल्यूशन का जो है मुख्य कारण क्या है, इंक्लूड ब्लैंक यूज ऑफ मोटर व्हीकल्स, ज़्यादा जो है मोटर गाड़ी का उपयोग करने से, रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन तेज़ी से जो है औद्योगिकरण, इंक्रीजिंग अर्बनाइजेशन तेज़ी बढ़ता हुआ शहरीकरण, यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स इन एग्रीकल्चर कृषि में जो है रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग, एंड बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स जीवाश्म ईंधनों को जलाने से। तो अब आपको बताना है, द मेजर कॉजेज ऑफ पॉल्यूशन इंक्लूड ब्लैंक यूज ऑफ मोटर व्हीकल्स, बल्की, तो बल्की मतलब होता है बड़ा, जो कि हम लोग भारी कोई भी चीज़ भारी है उस सिलसिले में इसका प्रयोग करते हैं, बल्की बड़ा या भारी, स्लाइट मतलब थोड़ा, और कॉम्पैक्ट मतलब सघन। तो कॉम्पैक्ट का प्रयोग यहाँ पर हम लोग नहीं करेंगे, कॉम्पैक्ट यूज ऑफ मोटर व्हीकल्स, जिसे जंगल होता है तो घना जंगल होता है तो उस सिलसिले में हम लोग प्रयोग करते हैं कॉम्पैक्ट का। तो यहाँ पर मैसिव का मतलब होता है व्यापक स्तर पर या बड़े स्तर पर, व्यापक या
बड़े स्तर पर, तो यहाँ पर हो जाएगा द मेजर कॉजेज ऑफ पोल्यूशन इंक्लूड मैसिव यूज ऑफ मोटर व्हीकल्स। ये हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा कि जो है व्यापक स्तर पर जो है ये सभी का प्रयोग करने से जो है पॉल्यूशन का ये मुख्य कारण है। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, इट हैज ए ब्लैंक इफेक्ट ऑन ह्यूमन हेल्थ। तो यह जो है इसका क्या मनुष्य के स्वास्थ्य पर क्या प्रभाव पड़ता है। इट हैज ए ब्लैंक इफेक्ट, तो देखिए सेफ सुरक्षित सुरक्षित प्रभाव पड़ता है इसका, तो ये विकल्प हमारा सेफ ये गलत हो गया। थ्रेटेंड ये इसका हो जाएगा धमकी देना, तो ये भी विकल्प गलत हो गया। रिस्की जोखिम, हैजार्डस खतरनाक, तो यह हमारे स्वास्थ्य पर जो है खतरनाक प्रभाव पड़ता है। इट हैज ए हैजार्डस इफेक्ट ऑन ह्यूमन हेल्थ, ये हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट सेंटेंस है, एयर पोल्यूशन कॉजेज रेस्पिरेटरी डिजीजेज। तो वायु प्रदूषण क्या कारण क्या उत्पन्न करता है, रेस्पिरेटरी डिजीज श्वास श्वास संबंधी बीमारी को उत्पन्न करता है, एंड अदर डिजीजेज रिलेटेड टू लंग्स, और लंग्स रिलेटेड और दूसरे बीमारी को भी जन्म देता है। नॉइज पोल्यूशन इम्पेयर्स, इम्पेयर्स का मतलब होता है बिगाड़ना, कोई भी चीज़ को जो है बिगाड़ देना, इम्पेयर मतलब बिगाड़ना। तो नॉइज पॉल्यूशन ध्वनि प्रदूषण इम्पेयर्स द ब्लैंक सेंसेज एंड कॉजेज स्ट्रेस, कौन सा सेंसेज को जो है बिगाड़ देता है जिसके चलते जो है तनाव उत्पन्न होता है स्ट्रेस। तो अब देखिए आपका विकल्प 24, ऑडिटरी, ऑडिटरी का मतलब होता है श्रवण इंद्रियां, सुनने, ऑडिटरी श्रवण इंद्रियां हो जाएगा। ऑडिबल सुनाई देने योग्य, हियरिंग का भी सुनने संबंधी होता है, और दूसरा मीनिंग इसका पेशी या सुनवाई होता है, वो कोर्ट में सिलसिले में इसका प्रयोग करते हैं हियरिंग का। ऑडेसियस, तो ऑडेसियस का मतलब होता है साहसी, तो इसका भी ये भी तो इसमें क्या प्रयोग होगा। नॉइज पोल्यूशन इम्पेयर्स द डैश सेंसेज, हमारे कौन से इंद्रियां को प्रभावित करता है, तो ऑडिटरी सिस्टम, तो इससे आपका ये हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन, इसमें ऑडिटरी ये करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ऑडेसियस ये भी गलत हो जाएगा, ऑडिबल का प्रयोग यहाँ पर उपयुक्त नहीं होगा, हियरिंग का भी प्रयोग इसमें नहीं हो। यहाँ पर बोला जा रहा है कि कौन सा सेंसेज को जो है प्रभावित करता है बिगाड़ देता है, तो यहाँ पर हो जाएगा ऑडिटरी सेंसेज। एंड काउजेज स्ट्रेस, और तनाव उत्पन्न करता है। वाटर पोल्यूशन पॉल्यूट्स वाटर, जल प्रदूषण क्या करता है पानी को जो है प्रदूषित कर देता है। हुई चीज़ मेनली हार्मफुल फॉर एक्वेटिक एनिमल्स, जो कि जलीय जीवों के लिए हार्मफुल होता है। द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ, जिम्मेवारी किसका, द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ब्लैंक। 25th क्वेश्चन आपका आ रहा है, दिस रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ब्लैंक, द पॉल्यूशन इज इन द हैंड्स ऑफ ह्यूमन बींग, इसका जिम्मेवारी प्रदूषण को खत्म करने का जिम्मेवारी किसके हाथ में है, मनुष्य के हाथ में, मनुष्य के हाथ में स्वयं है। द रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मिनिमल, मिनिमल का मतलब होता है कम से कम, मिनिमाइज, मिनिमाइज का मतलब छोटा करना, मिनिमम का मतलब कम हो गया, मिनिमाइजिंग मतलब कम करने के लिए या कम कर देना। तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन आपका हो जाएगा द रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मिनिमाइजिंग, इसको कम करने के लिए, पोल्यूशन को कम करने के लिए, प्रदूषण को कम करने की जिम्मेवारी किसके हाथ में है, कम करने के लिए, तो ये ऑप्शन हमारा मिनिमाइजिंग करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, कम कर देना या कम करने के लिए। तो द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मिनिमाइजिंग द पॉल्यूशन इज इन द हैंड्स ऑफ ह्यूमन बींग्स। इस तरह से हम लोग इंग्लिश पेपर सॉल्व करेंगे। अब आगे हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।